मेरे प्रदेश के लोगों ने राम राम। हरियाणा तक चैनल के यूट्यूब कुणबे पे 1 मिलियन सदस्य हो गए से। आप सारा का इस प्यार खातर, इस प्रेम खातर, इस सहयोग खातर बहुत घना शुक्रिया। आरती राव जब भी घर से बाहर राजनीतिक दौरों के लिए निकलती है तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। आज आरती राव महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले के अनेकों गांवों में गई हैं, अपने कार्यकर्ताओं के घर पहुंची, उनसे बातचीत की, उनके हालचाल जाने और चाय पर चर्चा भी की है। इसको लेकर आरती राव हमारे साथ है, इनसे जानेंगे कि आज जब ये घर से बाहर निकलती है तो राजनीतिक गर्मियां क्यों बढ़ जाती है और क्या कुछ इनके मुद्दे है। आरती जी, किस तरह से देखती है आज के प्रोग्राम जो आपके रहे हैं? हाँ जी। क्या कुछ विशेष निकल के आया, किस प्रकार की चर्चाएं हुई आज? चर्चाएं ज्यादातर मुद्दों पे जो थे वो है, मॉनसून के होने के बाद सड़कें खराब हो गई हैं, झोड़ का पानी जो है गंदे पानी से भर गया है, और साथ साथ पीने का पानी की समस्या तो पहले से ही हमारे पूरे क्षेत्र में रही हैं। तो ये मुद्दे पहले भी थे, अभी भी हैं, और हम पूरी कोशिश करें, मैं राव इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा जितने इन मुद्दों की जो भी मैं कर सकूंगी लोगों के लिए, मैं जरूर करूंगी उनके ऑफिस के थ्रू। इस वक्त क्या लगता है कि आज आप जनता के बीच गए हैं, क्या ऐसी समस्याएं आपको सामने आई कि जिनको जल्द से जल्द सरकार को निजात दिलवाना चाहिए, वो फैमिली आईडी को लेके हो, जी आम जन की समस्याओं से कोई और बात जुड़ी हो? जी, छोटी छोटी जो जैसे आपने आईडी की बात की, जितनी जल्द हो सके सरकार कर भी रही है कोशिश कि ये सुलझाया जाए ताकि लोगों को ये समस्या आगे हो ना। हाँ जी। अच्छा, आरती राव जब भी निकलती है ना तो राव इंद्रजीत के जो धुर विरोधी है राजनीति में, उनके गर्माहट आ जाती है राजनीति में, दूसरी बीजेपी के नेताओं में भी चर्चा होती है या जो कार्यकर्ता उनमें चर्चा होती है कि आरती राव यहाँ से चुनाव लड़ेगी, जिस भी विधानसभा में जाती है वहीं से चर्चा ये शुरू हो जाती है कि इस विधानसभा से लड़ेंगी, इस पर कैसे पूर्ण विराम लगाएंगे आप? जी, मैंने पहले भी कहा था कि समय आने पर सबको पता चल जाएगा मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगी। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि अगर हो सकता तो मैं सब जगह से लड़ लेती, मगर ऐसा हो नहीं सकता, तो वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से लड़ूंगी। मगर यही जरूर है कि मैं ये मानती हूँ कि अपने पिताजी से, मेरे दादाजी के वक्त से, कि ये पूरा क्षेत्र में हमें बहुत प्यार मिला है, तो उसी प्यार को थोड़ा सा संजोड के रखने के लिए मैं लोगों से मिलती रही हूँ, लोगों का बहुत सारा प्यार पाती रही हूँ, तो इसी सिलसिले में मैं निकल रही हूँ आजकल चाहे पे अपने अपने वर्कर्स के साथ, अपने पुराने सपोर्टर्स के साथ जिनके घर जा सकती हूँ, और आगे आने वाले वक्त में और भी सपोर्टर्स के घर जरूर जाऊंगी। अच्छा, जब रामपुर हाउस के जो विरोधी हैं, क्या आरती राव उनसे राजनीतिक तौर पर टक्कर ले पाएगी? जी, जैसा सब बोलते हैं कि ये जो दक्षिण हरियाणा क्षेत्र है ये वीरों का क्षेत्र है, लड़ने में हम किसी से कम नहीं।